दौलत में से आ रहा था मैं चंपा पेट पे से रेन बाजार की तरफ घर को जाने के लिए। जुम्मे के दिन रात में 12:45 से 1 बजे के दरमियान था। तो आ रहा था, लोग मेरे को रोके, कुर्ते पैजामे पे था मैं, लोग रोक के मेरे ऊपर हमला किए और कुर्ता फाड़ दिए और मेरा नोट 3 फ़ोन छीन लिए और वॉलेट थी इसमें। लोग मार रहे थे, उससे पेट्रोलियम की गाड़ी आई, आते वो लोग भाग गए। कितने लोग थे? 10 से 15-20 जने लोग थे। हाँ, मारे ये सदा वो तो बिस्किट फैक्ट्री के पास, आँख पर मारे, सीधे आँख की आँख पर मुझे मारे, करे आँख पर मुझे मारे, लाल हो गए, आँख खुल गई और जिस्म पे मारा, घुपत मारा पड़े मेरे को। यहाँ पर इसका पुलिस वाले आए थे, सीधा ले गए, तो वो लोग भाग गए, दर्ज करे, FIR दर्ज करे, वहाँ पर करके उस्मानिया लेके गए, ट्रीटमेंट चला, फिर वहाँ से आके मैं प्राइवेट में ट्रीटमेंट करा रहा हूँ मैं। उसके ऊपर सख्ती सख्त, वो लोग घटे नहीं गए, उससे सख्ती सख्त एक्शन लिया जाए उनके ऊपर, पकड़ना, उन लोगों को पकड़ना। मेरे को रात में 12:30 को फ़ोन आया मेरे दोस्त का कि सलीम के ऊपर, इनके ऊपर अटैक हुआ मातारा पेट के पास, धोबी घाट बिस्किट फैक्ट्री के पास। तो मैं तुरंत जो है ना मेरी ऑफिस से निकल के सीधा हॉस्पिटल को आया, उस्मानिया हॉस्पिटल, जहाँ इनको पुलिस वाले ट्रीटमेंट के लिए लेके गए थे। फिर दूसरे दिन कल हफ्ते के दिन सुबह से हम लोग पुलिस स्टेशन फिर रहे हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए और इनके जो है ना इनके ऊपर जो हमला हुआ उसकी कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन में हम लोग FIR दर्ज करवाए। SI साहब से भी बात हुई, सर्कल साहब से भी बात हुई और वो लोग भी बोले कि जो है ना इंशाल्लाह उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, मगर ये बोनाल की वजह से जो है ना शायद हो सकता है उसको डिले कर रहे हो लोग। तो मंगल के दिन SI साहब आज सुबह में फ़ोन करें, तो मंगल के दिन सुबह में आने के लिए बोले उन्होंने FIR कॉपी लेने के लिए, मंगल के दिन उन्होंने कार्रवाई करते बोल के बोले, मगर हमारा मुतालबा है कि जो है ना इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना और उन लोग के ऊपर एक्शन लेना, क्योंकि हम लोग जो एक्सीडेंट जहाँ हुआ वो स्पॉट पर भी गए, तो बिस्किट फैक्ट्री के ऊपर 3 कैमरे भी है और जहाँ पर इनको मारा गया उसके बाजू में स्कूल भी है और स्कूल का भी कैमरा भी है। तो इससे पुलिस वालों को जो है ना पुलिस को मदद भी मिल सकती क्लू लेने के लिए कि किसने मारे और कौन बच्चे थे, क्योंकि अंधेरे की वजह से सलीम वो बच्चों को नहीं देख पाए। पेट्रोलिंग की गाड़ी आई, पेट्रोल पुलिस वाले इनको उठाकर पुलिस स्टेशन लेके गए, फिर वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए थे उस्मानिया को जुमा के दिन रात में। तो वही मुतालबा है कि जो है ना बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होना, क्योंकि वहाँ से मैं भी रात में 4 बजे आता हूँ ऑफिस से, मैं भी रात में रात की नौकरी करता हूँ, तो जो है ना दूसरे और भी नौजवान हैं। निकाल दो